दो बार राज्यसभा की दहलीज से वापस लौटे तीन तलाक बिल को आखिरकार मोदी सरकार ने उच्च सदन से ही पास करवा लिया। इस बिल को पास करवाने में जहां सत्ता पक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगाया तो वहीं विपक्षियों ने विधेयक का जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा में ये बिल विपक्ष की बड़ी भूमिका की वजह से ही पारित हो पाया, जिसके बाद अब विपक्ष अपने सांसदों से जवाब तलब कर रहा है। तो विपक्ष ने कैसे की सरकार की मदद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार जब 2014 में पहली बार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, उसके बाद सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की हितैषी होने का दम भरते हुए दो बार सदन में तीन तलाक बिल पेश किया, लेकिन ये विधेयक लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के चलते हर बार बिल राज्यसभा में अटक गया। इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती, लेकिन विपक्ष की ये गलती ने मोदी सरकार के इस बिल को मंजूरी दिलवा दी। जी हाँ, अगर ऐसा कहा जाए कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पास कराने में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका रही तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के 20 सांसद वोटिंग के दौरान राज्यसभा से अनुपस्थित रहे, जिसके चलते बहुमत का आंकड़ा 121 से कम हो गया और ये बिल पास हो गया। अगर विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद होते तो वो विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भिजवा सकते थे। कांग्रेस और सपा सदस्यों के अलावा राकपा के वरिष्ठ नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी सदन में अनुपस्थित रहे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और केरल कांग्रेस के सदस्य भी वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। तीन तलाक बिल पर पीडीपी सांसदों ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वहीं जेडीयू और एआईएडीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस वजह से बहुमत का आंकड़ा और कम हो गया और सत्तारूढ़ दल ऊपरी सदन में बहुमत नहीं होने के बावजूद तीन तलाक बिल पर मुहर लगवाने में कामयाब हो गया। बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के बीच राज्यसभा में तीन तलाक बिल के समर्थन में 99 जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। बिल पास होने के बाद अब विपक्षी दल अपने ऐसे सांसदों से कारण बताने को कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सदस्यों से पूछा है कि आखिर पार्टी द्वारा व्हिप जारी होने के बाद भी सदस्य सदन में उपस्थित क्यों नहीं रहे, तो वही ट्विटर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती आपस में भिड़ गए। बिल पास होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, तीन तलाक बिल को पास कराने की जरूरत को समझ नहीं पा रही हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अवैध करार दे चुका था। मुस्लिम समुदाय को दंडित करने के लिए ये अनावश्यक हस्तक्षेप है। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट को शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने भी उन पर निशाना साधा और लिखा, महबूबा मुफ्ती जी, आपको ये चेक करना चाहिए था कि इस ट्वीट से पहले आपके सदस्यों ने कैसे वोट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने सदन में अनुपस्थित रहकर सरकार की मदद की, क्योंकि बिल पास कराने के लिए उन्हें सदन में नंबर चाहिए थे। यानी बिल पास होने के बाद अब विपक्ष अपने सांसदों से सवाल कर रहा है तो कुछ दल आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साफ तौर पर विपक्ष के इस रवैये का सीधा फायदा मोदी सरकार को मिला है और सरकार ने इंतजार के बाद ही सही अपने बिल पर दोनों सदनों में मुहर लगवा ली। डीबी लाइव की रिपोर्ट।